शिक्षक की बात हर शनिवार में मैं हमारे अपर मुख्य सचिव श्री डॉक्टर एस सिद्धार्थ का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं सर। सर ये कार्यक्रम हमने 26 अक्टूबर को एक बार शुरू किया था जिसमें आप शिक्षकों के साथ वार्ता कर रहे थे, संवाद कर रहे थे, उसी श्रृंखला के तहत आज हम दोबारा यहाँ पर बात कर रहे हैं। हमने 26 तारीख को जो बात की थी उसमें यह ध्यान रखा था कि शिक्षा विभाग की क्या प्राथमिकताएं हैं, कैसे विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो सके, इसके संबंध में शिक्षा विभाग क्या प्रयत्न कर रहा है, इसके संबंध में हमने बात की। और उसी दिन हमारे अपर मुख्य सचिव ने ये निर्णय भी लिया था कि वो इसी क्रम में शिक्षकों के साथ भी बात करेंगे, उनके प्रश्नों को देखेंगे, उनका उत्तर देंगे। और इसी क्रम में उन्होंने ये तय किया कि हर एक शनिवार को हम शिक्षकों के कुछ प्रश्न जो गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा से संबंधित होंगे उसको भी लिया करेंगे। और इसी क्रम में आज हम ये पहला संवाद सर के साथ शुरू कर रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सर शुरू करते हैं सर, पहला प्रश्न जो हमारे पास है रंजन कुमार प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय बिहट बेगूसराय से है। सर इन्होंने पूछा है कि विद्यालय संचालन व प्रबंधन के लिए एकल नियमावली होने के बजाय भिन्न भिन्न स्तर के कार्यपालक आदेश निर्गत होते रहते हैं जिसके कारण विद्यालय की एकलयता तो प्रभावित हो रही है, विद्यालय के संचालन में भी कठिनाई आती है, तो क्या विभाग विद्यालय संचालन के लिए एकीकृत विस्तृत नियमावली बनाने के बारे में सोच रहे हैं। देखिए हम लोगों ने जो व्यवस्था है, निरीक्षण व्यवस्था है, संचालन व्यवस्था है और विभिन्न सारी व्यवस्थाओं के लिए हम लोगों ने अलग अलग गाइडलाइंस निकाले और अलग अलग डायरेक्शंस दिए। हम लोग की कोशिश होती है कि सभी पर मेरे स्तर पर अप्रूवल हो और ताकि सभी जो गाइडलाइंस है उसमें एक रूपता हो और सभी पदाधिकारी अपने स्तर से गाइडलाइंस नहीं बनाएंगे, तो वहाँ तक तो हम लोग एक रूपता देखते हैं। और आप देखते होंगे कि हर गाइडलाइन में पुराने गाइडलाइंस का उल्लेख रहता है, प्रसंग जो होता है वो सभी का रहता है। लेकिन ये ज़रूर है कि हम लोग ने निरीक्षण के बारे में भी 4 पत्र निकाले और अटेंडेंस के बारे में भी निकाले, सभी के बारे में निकाले। हम लोग इन सभी का एक सिंगल कंपेंडियम निकालने के कार्रवाई कर रहे हैं ताकि जो भी शिक्षक हैं हम वो उस कंपेंडियम को रेफ़र कर सकते हैं। और हमारी कोशिश ये है कि जो भी हम लोग पत्र यहाँ से निर्गत करते हैं, हमारे DEO और शिक्षा सभी पदाधिकारी को बोला गया है कि जो भी पत्र यहाँ से निर्गत होता है उसकी प्रति PDF फाइल में इलेक्ट्रॉनिकली आप कम से कम टीचर लोगों को ट्रांसमिट कर दीजिए। हर टीचर को ये जानकारी होनी चाहिए कि क्या गाइडलाइन है। तो हम लोग अगले 10 दिन में, आपका सुझाव बहुत अच्छा है, हम लोग सभी जितने भी गाइडलाइन हैं उसका एक सिंगल फाइल में PDF में हम लोग सभी टीचर्स को उपलब्ध करा देंगे ताकि ये कन्फ्यूजन नहीं रहे कि किस प्रकार के कौन से गाइडलाइंस हैं और कौन से गाइडलाइन आज के दिन में प्रभावी हैं। दूसरा सवाल सर हमारे गुणवत्ता को लेके है कि जिसमें करीब बिहार, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि पहली कक्षा से ही अंग्रेजी की पढ़ाई यहाँ राज्य में हो रही है और ये हम लोगों ने कहा था कि हम देश के बाकी राज्यों के साथ या देश के दूसरे लोगों के साथ भी कदम से कदम मिलाकर चल सकें, अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा अंग्रेजी में दे पाए, यह आवश्यक है। इनका सवाल है सर, ये अंबुज कुमार हैं, उत्क्रमित उच्च विद्यालय लालोगढ़ बनमनखी पूर्णिया से। सर इनका सवाल है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को स्थापित करने हेतु बिहार प्रदेश में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में पढ़ाई जारी रखने की आवश्यकता है, बिहार में अब शिक्षकों की संख्या भी पर्याप्त है, क्या विभाग इस दिशा में कोई कदम उठाने जा रहे हैं? मुझे लगता है कि सर ये अंग्रेजी मीडियम से संबंधित ऐसा कुछ प्रश्न है क्या? देखिए ये प्रश्न बार बार उठता रहता है कि अंग्रेजी मीडियम में भी पढ़ाई हो, लेकिन कुछ जो हम लोगों ने इस बार मंथन अपना कार्यक्रम रखा जिसमें सभी पदाधिकारियों से हम लोगों ने बात की, लोगों ने कहा कि स्थानीय भाषा में भी बात सिखाई जानी चाहिए। और इतना तक उन्होंने कहा कि अगर कक्षा एक में मैथिली या भोजपुरी इसमें पढ़ाई जाए तो तब और बच्चों रुचि लेके पढ़ेंगे। तो आप तो अंग्रेजी की बात कर रहे हैं, मैं तो आपको मैथिली भोजपुरी अंगिका की बात कर रहा हूँ,
जहाँ पे लोगों ने ये डिमांड रखा कि क्लास एक में जो स्थानीय जहाँ बच्चा जिस बोलचाल में घर में बोलता है उसमें पढ़ाई हो। लेकिन मैं यह ज़रूर मानता हूँ कि अंग्रेज़ी एक महत्वपूर्ण भाषा है और हमारे कम से कम 9th, 10th, 11th, 12th जो 8वीं के बाद 9th, 10th, 11th, 12th इन लोगों को अंग्रेज़ी में भी जो विषय है उसमें पढ़ाई होनी चाहिए। और हम लोग बाईलिंगुअल किताबें बनाने के बना चुके हैं और इसको हम लोग प्रथम चरण में लाइब्रेरीज़ में आपके जो स्कूल के लाइब्रेरीज़ में अधिक संख्या में उपलब्ध कराएंगे। तो जो बच्चा अंग्रेज़ी में अध्ययन करना चाहता है 9th, 10th, 11th, 12th तो उस अंग्रेज़ी किताब एक तरफ हिंदी है और एक तरफ इंग्लिश है तो आप अपने ही अध्ययन कर सकते हैं कि इंग्लिश और हिंदी। और यह अच्छी बात है कि बहुत सारे आज के दिन में शिक्षक गण हैं तो उनको कहा यह जाएगा हमारे द्वारा कि जब जब आप हिंदी पढ़ा रहे हैं उसका अंग्रेज़ी रूपांतर भी एक्सप्लेन करेंगे। और आप देखेंगे जो कंप्यूटर भाषा इस बार जो कंप्यूटर किताब जा रही है 6, 7, 8 में वो दोनों बाइलिंगुअल भाषा में है। मतलब वो जहाँ पे फाइल है डायरेक्टरी है वो इंग्लिश में भी लिखी है और हिंदी में भी लिखी गई है। तो मल्टीलिंगुअल बुक्स हम लोग इस बार उपलब्ध कराएंगे विभिन्न स्तर पर। बट यह ज़रूर हमारे यह जो हमारे सुझाव करता अच्छा सुझाव दिया। लेकिन जो क्लास वन है मुझे ये भी सुझाव प्राप्त हुआ है कि मैथिली भोजपुरी और अंगिका में भी प्रथम क्लास में पढ़ाई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर अगला सवाल सर संबंधित है ओलंपियाड जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को लेकर। प्राय ये देख रहे हैं हम लोग कि ऐसे एग्ज़ाम्स में बिहार के बच्चे कम से कम सरकारी विद्यालयों से कम जा रहे हैं और सरकार बहुत कोशिश भी कर रही है कि हम कैसे इन बच्चों को इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ज़्यादा से ज़्यादा सहभागिता करवाएं या उनकी प्रतिभागिता करवाएं। सर इसमें सवाल है अखलाक अहमद हैं उच्च मध्य विद्यालय दिगहवा मसौढ़ी से पटना से। सर इनका सवाल है सर कि क्या ओलंपियाड जैसे प्रतिद्वंद्विता को प्राथमिक स्तर पर करने के लिए हम सोच सकते हैं? क्या इंटर स्कूल चैंपियनशिप को बीओ के द्वारा प्रखंडवार और वर्गवार कार्यान्वित करवाया जा सकता है? देखिए बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है, आपको जानकारी होगी कि पूरे राज्य में 2 करोड़ बच्चे हैं और यह भी देखना पड़ता है कि लॉजिस्टिक्स का भी इश्यूज़ है। तो हम लोग ज़रूर क्लास 5 में हम लोग अपने स्तर पर एक ओलंपियाड कराएंगे क्लास 5 में और क्लास 8th में। तो ये 2 क्लासेस हैं जो जैसे मैथ्स हो सकता है मैथ्स ओलंपियाड जो जिसका आंकलन आराम से किया जा सकता है, मैथमेटिक्स है और साइंस ओलंपियाड है। ये तो 2 चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण विषय हैं और जिसका ओलंपियाड हम लोग शुरू करेंगे और बाकी फिर देखते हैं। लेकिन हम लोग ऑनलाइन जो क्लासेस जो कंप्यूटर क्लासेस चलाते हैं तो हम लोगों ने उसमें भी एग्ज़ाम का और उसमें भी परीक्षा का प्रावधान रखा है। नीट की हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, उसकी परीक्षा भी लेते हैं, नीट की परीक्षा लेते हैं हम लोग ऑनलाइन समय समय पर। लेकिन बात आ रही है जो हमारे अखलाक जी हैं कि जो जूनियर क्लासेस हैं तो जूनियर क्लास में क्लास 5 उससे जूनियर बहुत छोटे बच्चे हो जाते हैं। लेकिन जहाँ पर क्लास 5 में कि यह प्रतिभा खोज है, टेक्निकली एक प्रतिभा खोज है, कंपलसरी नहीं है, जो लिखना चाहेगा लिखेगा। तो प्रतिभा खोज जहाँ पे है मैथ्स में साइंस में ये प्रतिभा खोज हम लोग शुरू करेंगे और जो बच्चे लिखना चाहें, कोई कंपलसरी नहीं होगा, हो सकता है 10% हो, 1 लाख 2 लाख बच्चे लिखें तो ये हम लोग कोशिश शुरुआत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर इसके बाद जो सवाल पूछा है इब्राहिम सिद्दीकी मध्य विद्यालय रामधनाव बनियापुर सारण से। सर इनका सवाल प्रशासन से संबंधित है, विद्यालय प्रबंधन से संबंधित है। सर क्या प्रत्येक विद्यालय को एक क्लर्क प्रदान किया जा सकता है ताकि विभिन्न प्रकार के रिपोर्ट एवं विद्यालय संबंधित अन्य सूचनाओं को उनके द्वारा संधारित किया जा सके और प्रधानाध्यापक और शिक्षक पठन पाठन के कार्यों में अपना 100% दे सके? देखिए यह हम लोग के बहुत पहले यह सुझाव प्राप्त हुआ था और हम लोग चाहते हैं कि जो टीचर है, जो हेडमास्टर है, वो अपना पठन पाठन में पूर्ण रूप से अपना समय बिताएं और हम लोग नहीं चाहते हैं कि ये जो बाकी क्लर्क के काम है। तो उत्क्रमित विद्यालय में आपको याद होगा कि करीब 6,200 हम लोगों ने पद सृजित किए हैं और उसकी भी बहाली की प्रक्रिया आरंभ है
और अन्य जो विद्यालय हैं उसमें भी हमारे क्लर्क्स हैं, और साथ ही साथ जो हमारे अन्य अनुकंपा या अन्य व्यवस्था से जो बाहर होंगे उसमें भी काफ़ी पढ़े लिखे हैं जो क्लर्क्स के रूप में कार्य करेंगे। इसलिए हम लोग कोशिश ये करेंगे कि कम से कम जो मिडिल स्कूल और हाई स्कूल है उसमें कम से कम एक क्लर्क हो। प्राइमरी स्कूल में तो ऑब्वियसली संभव नहीं, संख्या बड़ी ज़्यादा है, बट मिडिल स्कूल और हाई स्कूल में क्लर्क ज़रूर हो और जो ये सारे काम जो कार्यालय कार्य हैं वो अपना करेंगे। सर इसके बाद अगला सवाल है सर कि विद्यालय से अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी को जोड़ने से संबंधित है सर। अर्पणा राज मध्य विद्यालय जरहरा बोध गया से ये पूछ रहे हैं कि समुदाय को विद्यालय से जोड़ने हेतु अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी एक बेहतर नवाचार है, परंतु संगोष्ठी में अभिभावकों की उपस्थिति बहुत कम देखी जा रही है, ऐसे में हमें विभाग की ओर से कोई मार्गदर्शन दिया जाए। देखिए, जो अभी इस बार मंथन हुआ था तो उसमें इस पर बहुत विस्तृत चर्चा हुई थी अभिभावक संगोष्ठी में, और ये बात चिंता भी व्यक्त की गई थी कि अभिभावक पेरेंट टीचर मीटिंग जिसको कहते हैं उसमें आते नहीं हैं। तो पेरेंट टीचर मीटिंग में हम लोगों ने ये कहा है कि आप अभिभावक से ही समय पूछ लीजिए कि किस समय रखा जाए। हो सकता है कि जिस समय में हम लोग रखे हैं वो खेत में चले गए, काम में चले गए, उन्हीं से पूछ लिया जाए कि किस समय, तो उस समय उस दिन का हम लोग स्कूल टाइमिंग चेंज कर देंगे कि इस समय अभिभावक सब उपलब्ध रहेंगे और उस समय हम लोग, जैसे हो सकता है 7 बजे 8 बजे अभिभावक कहेंगे कि हम लोग सुबह आएँ, और तो हम लोग टाइमिंग उस दिन का चेंज कर देंगे। तो ये हम लोग की कोशिश है कि अभिभावक अपने बच्चे की शिक्षा में रुचि लें, और जब तक अभिभावक है, समाज है, सभी लोग एक साथ रुचि नहीं लेंगे मेरे ख्याल से शिक्षा पूर्ण नहीं होगी। तो मेरा बस अनुरोध है कि अभिभावक समय पे आएँ और जो भी समय उनको ठीक लगे, आपको लगता है सुबह है, आपको लगता है शाम का है, तो उस दिन का हम लोग समय उसमें परिवर्तन कर देंगे। तो ये टीचर और हेडमास्टर पर निर्भर है कि गांव वाले से पूछ लेंगे, एक बार बैठक कर लेंगे, मुखिया जी है, पंचायत सेवक है, वार्ड सदस्य हैं, सभी से पूछ लेंगे कि भाई आप समय कौन सा चाहते हैं, और जो दोनों के लिए कन्वीनियंट है। ये भी नहीं हो सकता कि टीचर को हम लोग कहेंगे रात को कर दीजिए, ये भी नहीं हो सकता है। तो दोनों के लिए जो उपयुक्त समय है वो अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में पेरेंट टीचर मीटिंग का समय निर्धारित कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसके बाद का सवाल सर प्रियंका कुमारी मध्य विद्यालय मलहा को परिहार सीतामढ़ी से पूछती हैं। उन्होंने सर पूछा है कि ज़्यादातर प्राथमिक कक्षाओं में वर्ग कक्ष की कमी है और कई वर्ग के बच्चों को एक साथ बैठाकर पठन पाठन कराया जाता है, शिक्षक मल्टीग्रेड कक्षाओं के संचालन के लिए प्रशिक्षित नहीं है, क्या विभाग से कुछ मार्गदर्शन मिल सकता है? देखिए, मैं बहुत स्कूल गया हूँ और ये ज़रूर बड़ा कठिन होता है कि एक कक्षा का ब्लैक बोर्ड इस तरफ है और दूसरी कक्षा का ब्लैक बोर्ड इस तरफ है, एक टीचर इधर से पढ़ा रहे हैं, दूसरे टीचर इधर से पढ़ा रहे हैं। हम लोगों ने ये कहा है कि इस वर्ष मार्च तक, ज़्यादा लेट हो जाएगा तो जून तक, जितने भी कक्षा रूम हैं इसको, इसका कंस्ट्रक्शन हो जाए, जो भी अतिरिक्त वर्ग कक्षा मल्टीपल फ्लोर्स का हो सकता है लेट हो जाए, लेकिन 100% जितने कक्षाएँ संचालित हैं उतने आप रूम आप सैंक्शन करके काम शुरू कर दीजिए। तो यह तो एक होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग कंप्लीट सैंक्शन कर देंगे। तो जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हो जाता है तो उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्या हो सकती है, यही प्रियंका जी पूछेंगी। तो हम लोगों ने ये कोशिश कर रहे हैं, हमारे जो टीचर ये DOs का जो मंथन कार्यक्रम था, अभी जो चर्चाएँ हुई थी उसमें उन लोगों ने कहा कि स्टैगर्ड टाइमिंग स्कूलों में लागू की जाए, तो कुछ क्लासेस पहले हो जाएं, कुछ क्लासेस बाद में हो जाएं, शिफ्ट में हो जाएं। तो क्योंकि अटेंडेंस का हमारा सॉफ्टवेयर फिक्स्ड है, मतलब वो 9 बजे लेता है, 4 बजे लेता है, तो उसको हम लोग संशोधित करेंगे थोड़ा सा, तो उस पर लगे हैं कि कैसे शिफ्ट और स्लॉट, और ये हेडमास्टर और टीचर पे छोड़ देंगे कि किस शिफ्ट पे कौन पढ़ाएगा और किस टाइमिंग से वो पढ़ाएंगे। तो यह व्यवस्था होने के बाद ये बहुत कठिन है, ये तो मैं भी जानता हूँ बहुत कठिन है कि 2 क्लासेस एक ही रूम में चल रहे हैं, और ये सामान्यतः बने देखा है, और जूनियर में तो और भी आप देखते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों एक साथ बैठे रहते हैं, और ये बहुत ही मुश्किल है क्योंकि उनके टीचिंग टेक्निक अलग है। अब क्लास 1 का टीचिंग टेक्निक बहुत अलग है, क्लास 2 का अलग है, क्लास 3 का अलग है। तो मैं टीचर्स की समस्या समझता हूँ और मैं सभी 100% हम लोग जो क्लासरूम है वो सैंक्शन करेंगे, बिल्डिंग्स बनेंगे, लेकिन तब तक
वो टाइमिंग हम लोग आगे पीछे करके इसको चलाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसमें सही में मल्टीग्रेड टीचिंग एक समस्या भी है और किस तरीके से इसका निवारण हो इसके बारे में शिक्षक भी चिंतित हैं सर। विभाग की ये प्रायोरिटी है और कक्षाओं का जल्दी से जल्दी निर्माण किया जा रहा है। इसके बाद सर सवाल है जो ई शिक्षा कोर्स से संबंधित है। रविंद्र साफी जी हैं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय सलहा विनीपट्टी मधुबनी से। ये पूछते हैं कि क्या हम बच्चे की उपस्थिति भी ई शिक्षा कोर्स से लेने के बारे में सोच रहे हैं। हम लोगों ने इसका ट्रायल कर लिया जहाँ तक ई शिक्षा कोर्स से बच्चों का अटेंडेंस है, लेकिन जो अभी टैब भी प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया में है, जो टैब हम लोग उपलब्ध लाने की व्यवस्था में है, तो ट्रायल तो ले लिया गया है कि बच्चे की गिनती ऑटोमेटिकली जो टैब से फोटो होगा ऑटोमेटिकली वो चेक कर लेगा किसका चेहरा कौन सा है और कितने बच्चे आज आ गए हैं। तो ट्रायल तो हो गया है और ट्रायल सक्सीड भी हो गया है। तो इसके लिए उचित ट्रेनिंग की आवश्यकता है, उचित व्यवस्था की आवश्यकता है और उचित टेक्नोलॉजी मतलब लोगों को जानकारी हो, बच्चों को जानकारी हो, यह अवस्था है। तो इसका एक समय पे हम लोगों ने अपना टारगेट रखा है कि 1 जनवरी से हम लोग इसको फाइनली रोल आउट करेंगे। तो 2 महीना कम से कम हम लोगों को लगेगा, लेकिन ट्रायल हम लोगों ने ले लिया है। मतलब हो सकता है जनवरी फरवरी हो जाए, बट इससे क्या होता है कि पहले तो अटेंडेंस आप डिजिटली मार्क करेंगे उस टैब पर, बाद में जब अटेंडेंस हो जाता है तो वो टैब पूछता है कि फ़ोटो चाहिए मुझे बच्चों का, तो फोटो जब खींचता है तो वो अपने सर्वर पर ले जाता है और उसके बाद रात को जब कोई कार्यकलाप सॉफ्टवेयर में नहीं होता है, रात को वो सबका चेहरा सबका अटेंडेंस से मिलान करेगा। अच्छा। और अगले दिन मेरे टेबल पर आ जाएगा कि कितने अटेंडेंस थे और कितने बच्चे थे और कितना अंतर आया। तो कुछ तो सामान्य टेक्नोलॉजी अंतर हो सकता है, लाइट का अंतर हो सकता है, लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा अंतर आ जाएगा तो वो तो मेरे सामने आ जाएगा कि भाई इतने बच्चे केवल 10 थे और अटेंडेंस लगा दिया 50। तो ये टेक्नोलॉजी ट्रायल हो चुकी है और सक्सेस भी हो चुकी है। अब ये प्रशिक्षण और बहुत हेवी ट्रेनिंग की आवश्यकता है, तो हम लोग ट्रेनिंग के बाद ही इसको लागू करें। ये बहुत अच्छा होगा सर, इससे मुझे लगता है कि बच्चों के विद्यालय आने की जो रफ्तार वो बढ़ेगी भी और बच्चे सीख भी ज़्यादा। ये इमीडिएटली पता चल जाएगा कौन बच्चा एबसेंट रहता है और रेगुलरली रहता है, हम उसको अप्रोच कर अभी अप्रोच कर पाएंगे, उसको पकड़ के लाएंगे कि भाई समझा के लाएंगे कि भाई स्कूल आई है, तो इमीडिएटली पकड़ा जाएगा। मतलब उसमें आपको किसी से पूछना भी नहीं है कि आज कौन सा बच्चा आया कौन सा बच्चा नहीं आया, वो आपके फेस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर बता देगा। ये बहुत अच्छा होगा सर। इसके बाद सर एक जनरली एक्सेस से रिलेटेड है कि क्यों हमारी शिक्षण हमारे सरकारी विद्यालयों में बच्चे कम नामांकित होते हैं। ललन कुमार उत्क्रमित मध्य विद्यालय बसावन पट्टी राघोपुर सुपौल से हैं। ये पूछते हैं कि एक सक्रिय व्यवस्था और मेहनती शिक्षकों के होते हुए भी सरकारी विद्यालयों में आम जनों का विश्वास कम क्यों हो रहा है, इसके क्या कारण? देखिए बसंत जी, मैं एक विद्यालय गया था, उर्दू माध्यमिक विद्यालय बाराचट्टी में थी और बहुत बड़ा कैंपस था। मतलब हमको लगता है कि करीब 2.5-3 एकड़ का कैंपस था, बिल्डिंगें भी थी, सब था और मिड डे मील भी था वहाँ पे। लेकिन बगल में दीवार के किनारे एक तो स्कूल प्राइवेट स्कूल खड़ा हुआ था और उस स्कूल मैं स्कूल का निरीक्षण किया, हमारे बच्चे जो थे चौक में मिले, मतलब जो जीटी रोड के सड़क पे हमको मिले बच्चे, और 10 बजे का समय था, 10:15 बजे। मैं पूछा भी बच्चों से कि भाई 10 बजे तो स्कूल नहीं है, आराम से चलते हुए आ रहे थे, 2-3 लड़कियां थी चलती हुई आ रही थी। और जब हम स्कूल के अंदर घुसे तो पूरी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज सब कुछ था, कंप्यूटर भी था, क्लासरूम भी थे, सब कुछ था, बेंच था, डेस्क था और टीचर भी फुल थे। मतलब टीचर की संख्या एक भी एब्सेंट नहीं था टीचर, और अच्छे टीचर थे, मतलब बहुत पढ़े लिखे टीचर भी थे और वेल टू डू टीचर, मतलब अच्छे टीचर थे, कोई टीचर में त्रुटि नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर में त्रुटि नहीं थी, बेंच डेस्क में त्रुटि नहीं थी। लेकिन बगल वाला प्राइवेट स्कूल है वो बिल्कुल भरा हुआ था, बिल्कुल मतलब जब मैं उस किनारे बाउंड्री पे गया तो बिल्कुल खचाखच आवाज़ आ रही थी, मैं जानबूझ के गया नहीं अंदर, लेकिन मुझे लगा कि इससे कम से कम 3 गुना बच्चे उधर हैं। और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी, 1 फ्लोर 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर, मतलब भरा हुआ, ऐसा लग रहा जैसे बच्चों को मतलब ठूस ठूस के इसके प्राइवेट में भरा गया है।
तो ये मानसिकता जो है ना, ये सामाजिक मानसिकता है, एक तो पेरेंट्स को गवर्नमेंट स्कूल को सीरियसली लेना चाहिए, जैसा बोला ना अभिभावक अपना आते नहीं है, तो प्राइवेट स्कूल में अभिभावक नहीं आएगा तो बच्चों को निकाल देगा वो, तो अगर पेरेंट टीचर मीटिंग में अभिभावक नहीं जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि प्राइवेट स्कूल क्या करता है, और अगर प्राइवेट स्कूल में अगर यूनिफॉर्म के बिना जाएंगे तब क्या करेगा, घुसने नहीं देगा, बाहर खड़ा कर देगा बाउंड्री के बाहर, और प्राइवेट स्कूल में अगर बच्चा अपनी नोटबुक नहीं लेकर आएगा, होमवर्क नहीं करके आएगा, देखिए क्या होता है। तो ये पेरेंट्स को भी देखना है कि शिक्षा मुफ्त है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि ये मुफ्त शिक्षा किसी भी स्तर पर जो पेड शिक्षा है, जिसको प्राइवेट शिक्षा है, उससे कम है। हम यूनिफॉर्म के लिए पैसे भी देते हैं आपको, हम खाना भी मिड डे मील भी खिलाते हैं, सारी किताबें भी देते हैं, बैग पेंसिल नोटबुक तक देते हैं हम, प्राइवेट स्कूल में तो सब आपका पैसा लगता है। तो किसी भी देखिए अभिभावक को भी समझना चाहिए कि ये बहुत सीरियस पढ़ाई हो रही है, और सरकार इस शिक्षा व्यवस्था के प्रति बहुत सीरियस है, कोई कैजुअल पढ़ाई नहीं हो रही है, मैं देखता हूँ बहुत सीरियसली पढ़ाई होती है, और परीक्षा तो बिहार बोर्ड का ही लेना है, यहीं से अपीयर। हाँ, अब केवल एवरीडे मतलब गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग इंग्लिश में बोल के टाई पहन के और मतलब प्राइवेट यूनिफॉर्म पहनने से थोड़ा शिक्षा हो जाती है, मतलब अगर यही समझ में है समझ है तब तो बड़ा चिंता का विषय है। तो सरकारी टीचिंग को पेरेंट्स समाज सभी लोगों को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, और जब तक सब लोग नहीं लगेंगे, सब लोग देखिए ये सामाजिक व्यवस्था है, मैं तो कभी कभी पूछता हूँ कि कभी यूट्यूबर मैंने देखा ऐसे घुस जाते हैं, टीचरों का प्रश्न पूछने लग देते हैं, क्लास चल रही है बच्चों का पूछने, मैं कभी कभी पूछता हूँ कि कभी प्राइवेट स्कूल में ट्राई किया, यही बात प्राइवेट स्कूल में गए और घुस जाइए प्राइवेट स्कूल में और किसी प्राइवेट टीचर से पूछ के देखिए, उन्होंने एग्जाम पास किए हैं वो लोग, तो सी उसकी तो परीक्षा भी नहीं होती है ना, यहाँ तो बीपीएससी लिखा है अपना, ये जो सक्षमता परीक्षा सब लिख के आए हैं, यहाँ तो दे क्वालिफाइड एन एग्जाम, तो आप ट्राई वहाँ करिए ना। तो आप इस व्यवस्था को सीरियस लेना चाहिए, एंड एवरीबडी शुड टेक इट, मैं तो कहता हूँ पत्रकार को भी इसको सीरियसली लेना चाहिए, हम सुझाव लेने के लिए बहुत ओपन है, हम तो आज सुझाव ले ही रहे हैं आपसे, लेकिन इस व्यवस्था शिक्षा व्यवस्था बहुत सीरियसली लिया जाए, पेरेंट्स सीरियसली लिया जाए, बच्चा अगर 9 बजे से पहले स्कूल नहीं जाए तो उसको डांटना चाहिए कि क्यों नहीं तुम स्कूल जा रहे, तुम्हारा तो 9 बजे स्कूल है, अब आराम से लड़कियां जा रही हैं 10 बजे चौक में मिली आराम से जा रही है, कोई अर्जेंसी नहीं, मतलब आराम से जा रही, जैसे ऐसा लगता है जैसे कि मतलब हेडमास्टर जी अपना एक्सेप्ट कर ही लेंगे, अब लोग सोचता है कि सरकार चला रही है तो कैसे नहीं लेगा बच्चा, 11 बजे आएगा तो बच्चा क्यों नहीं क्लास में बैठेगा, ट्राई करिए ना, यही चीज़ ट्राई करिए प्राइवेट स्कूल में, हम लोग उस व्यवस्था नहीं लागू करना चाहते हैं, पनिशमेंट की व्यवस्था, कॉर्पोरल पनिशमेंट की व्यवस्था, हम लोग चाहते हैं कि समाज कोऑपरेट करे, सब लोग कोऑपरेट करें। अब वो कहता है कि बस से दुनिया भर से बस से इकट्ठा करके लाता है, हैं दूर दूर से पता नहीं कहाँ से, हमको बोला बाराचट्टी का स्कूल था NHGT रोड पे था, बोला दूर दूर से आता है पूरा ठूस के भर देता है स्कूल को, भाई हम तो हर गांव में हर पंचायत में हम लोग स्कूल खोले हैं भाई, हम तो आपके बगल में खोले हुए हैं। तो ये मेरा थोड़ा है कि समाज का मानसिकता बदलना चाहिए तब ये, और सरकार बहुत सीरियस है एजुकेशन में, सरकार बहुत सीरियस है, 20% बजट सरकार का पता ही शिक्षा में जाता है, 20%, 100 रुपये में 20 रुपये सरकार जो खर्चा करती है शिक्षा में जाता है, इससे ज़्यादा क्या खर्चा करेगी। तो सब लोग उसको सीरियसली लें, और ये समाज का पैसा है, कोई व्यक्ति का सरकार का अपना कोई किसी व्यक्ति का पैसा नहीं है, ये समाज का पैसा है, और उसे शिक्षा हम लोग देते हैं, तो सीरियसली इसको लिया जाए और सीरियसली इसको मतलब इस व्यवस्था को सीरियसली कंसिडर किया जाए। बिल्कुल सर, कोई कारण नहीं है कि हमारे भी सरकारी स्कूल बहुत अच्छे हैं और प्राइवेट स्कूल से क्यों नहीं कम्पीट करें, इसके लिए कोई कारण बनता नहीं सर। ये अगला सवाल है, ललन कुमार राय उत्क्रमित मध्य विद्यालय छोटा उड़वा दोनवारी खुटौना से, सर ये बेसिकली प्रशिक्षण से संबंधित सवाल है इनका, कि क्या 6 दिवसीय प्रशिक्षण की जगह पर 3 दिवसीय गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण हम शिक्षकों के लिए आयोजित कराया जा सकता है, तथा प्रशिक्षण की गुणवत्ता का फीडबैक हम शिक्षकों से भी लिया जाए। देखिए पहले तो
जो प्रशिक्षण की व्यवस्था है उसमें मूल चूल परिवर्तन की हम आवश्यकता है, ये मैं और बहुत ही हम लोग बहुत चिंतित हैं प्रशिक्षण को लेकर, और हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही प्रशिक्षण कराएंगे, ये पहले तो जिला से बाहर भेजते थे। और हम लोग का मानना है कि देखिए एक दिन जाने में लगता है, एक दिन आने में लगता है, तो दो दिन तो यही हो गया, और उस प्रशिक्षण की भूमिका बांधने में भी एक दिन लगता है, और लर्निंग कर्व रहता ना, तो देखते हैं कितना समय लगेगा, कितना हम लोग समय में इसको कर पाएंगे, बट हम लोग मूल चूल परिवर्तन करेंगे और रेगुलर हम लोग ट्रेनिंग इसमें रखेंगे, और चाहेंगे कि मतलब शॉर्ट हो, संक्षिप्त हो और रेगुलर हो और इफेक्टिव हो। और जहाँ तक हम लोग का ये फीडबैक का है प्रश्न है, तो हम लोग अब चाहेंगे कि जो भी प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं प्रशिक्षण के बाद वो अपना फीडबैक फॉर्म भरेंगे कि क्या उन्होंने शिक्षा लिया नहीं लिया। और साथ ही साथ हम लोगों ने जो टीचर्स हैं, जो हमारे टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के टीचर्स हैं, उनको भी हम लोग कुछ स्कूल अटैच कर रहे हैं, ताकि यह भी देखें कि जो आप पढ़ाए हैं टीचर को, वास्तव में जो पढ़ाई है वो वहाँ इम्प्लीमेंट टीचरों ने किया नहीं किया, तो कुछ स्कूल्स हम लोग टेस्ट बेसिस में अटैच करेंगे, ताकि वो लोग देख के आएँ कि उनकी उनका जो टीचिंग है वो सही दिशा में जा रहा है या पढ़ा कुछ रहे हैं और हो कुछ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये एक सवाल है सर, शशिकांत कुमार एनपीएस कांटी टोला भवन गामा खगड़िया से। सर ये पूछते हैं कि विभाग के पास शिक्षा सेवक का कैडर है, उपलब्ध है क्या, इनके कार्य और दायित्वों से संबंधित कोई दिशा निर्देश उपलब्ध है, यदि है तो उसे सख्ती से लागू किया जा सकता है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे टोला सेवक का तालमीम मरकज है, तो ये हमारे बहुत महत्वपूर्ण मांग है, और ये सबसे गरीब टोलों में के प्रतिनिधि हैं, और बहुत जहाँ पे शिक्षा की आवश्यकता है अल्पसंख्यक टोलों में कार्य करते हैं, और साथ ही साथ महादलित और अन्य टोलों में काम करते हैं। तो मेरा बार बार इनसे अनुरोध रहा है कि आप बच्चों को देखिए स्कूल में समय पे लाइए, जो बच्चे स्कूल से बाहर हैं उनको आप स्कूल में लाइए, और कोशिश करिए कि ये ठीक ठाक पढ़े। सरकार इन पर बहुत खर्चा करती है, ये शिक्षा के टीचर के व्यवस्था से आप बाहर के लोग हैं, जो अगर कोशिश करेंगे तो महादलित टोलों के अल्पसंख्यक के बच्चे 100% पढ़ लेंगे, और कोई कठिनाई है तो हम लोग अलग से बात कर सकते हैं, लेकिन मेरा बस ये बार बार अनुरोध रहा है कि आप लोग बच्चों को स्कूल लाइए और पढ़ाइए, और कोशिश करिए कि वो ठीक ठाक पढ़े। पढ़े लिखे लोग हैं आपके तालमी मरकज़ के लोग, पढ़े लिखे लोग हैं आपके टोला सेवक, पढ़े लिखे लोग हैं, तो कोशिश करिए जल्द कि अपनी मेहनत लगा के ये सब समाज, ये ही है जो अपेक्षित समाज है, इसमें शिक्षा स्तर में सुधार हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये 10 प्रश्न आज हमने लिया है, और हम आगे भी हर एक शनिवार को, जैसा कि आपने कहा है कि हम चुने हुए प्रश्न शिक्षकों से लिया करेंगे, हम शिक्षकों से भी अनुरोध करेंगे, अपील करेंगे कि वो अपने प्रश्न जो विद्यालय प्रबंधन से हो, कक्षा वर्ग कक्षा से, अब बच्चों से भी, अगर कोई बच्चा भी पूछना भी बच्चा कोई बच्चा ही पूछना चाहे तो वही पूछ सकता है कि, तो हम लोग बच्चों से का भी प्रश्न, आज बच्चों का प्रश्न नहीं आया है, आज केवल टीचर्स लोगों का आया है, तो कोई बच्चे भी अगर पूछना चाहें तो हम लोग अगली बार से एक दो बच्चों का भी प्रश्न हम जवाब दें। तो हम लोग अगली बार से और प्रश्न लिया करेंगे, ये हमने शुरुआत की है और ये बहुत स्वस्थ परंपरा हमने इस्टेब्लिश की है। बहुत बहुत शुक्रिया आपको सर, बहुत बहुत धन्यवाद।